नंबर 2 में नजर आए एक्टर सनी सिंह की बात करें तो सनी सिंह एक बार फिर से लेकर आने वाले हैं स्क्रीन पर अपना उजड़ा चमन। जी हाँ, उजड़ा चमन उनकी आने वाली फिल्म का नाम है, जिसका ऑफिशियल ट्रेलर रिसेंटली हमारे सामने आ चुका है। इस फिल्म के ट्रेलर को देखने से ये पता चलता है कि ये जो फिल्म है बेस्ड होने वाली है प्रीमेच्योर बाल्डनेस पर। इस फिल्म में चमन का कैरेक्टर निभाने वाले हैं सनी सिंह, और चमन जो है वो उजड़ा हुआ इसीलिए है क्योंकि वो परेशान है प्रीमेच्योर बाल्डनेस से, जिसके कारण उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके क्लीग्स उसको बहुत ज्यादा टीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस टीजर में। और साथ ही साथ ऊपर से परेशानी ये भी है कि उसको कोई लड़की भी नहीं मिल रही क्योंकि वो बाल्ड दिखता है। और अगर हम बात करें इस लड़के की, परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती बल्कि इसके बाद उसको एस्ट्रोलॉजर एक और परेशानी देता है और बोलता है कि अगर 30वें वर्ष में ही आपकी शादी नहीं होती तो आपको पूरी उम्र कुंवारा रहना पड़ेगा। यानी कि एक तो वो बाल्डनेस से परेशान है ऑलरेडी, उसके फैमिली, फ्रेंड्स और जो कलीग्स हैं उसको टीज कर रहे हैं, ऊपर से जो ये उसको लड़की भी नहीं मिल रही शादी के लिए, ऊपर से एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी बातें बोल दी हैं, ये परेशानियां कैसे वो दूर करता है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा। यानी 8 नवंबर को जब ये फिल्म सिनेमा घरों में लग जाएगी तब पता चलेगा कि सनी सिंह यानी चमन अपनी इन परेशानियों से कैसे लड़ता है। वेल, इस फिल्म से जो है बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो कि प्रीमेच्योर बाल्डनेस से परेशान हो चुके हैं या फिर हो रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस फिल्म से। वहीं इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो अभिषेक पाठक इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं अभिषेक पाठक और कुमार मंगत पाठक। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की प्रेजेंटेशन की तो पैनोरमा स्टूडियोज इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं इस फिल्म के कंसेप्ट की, तो ये जो फिल्म का कंसेप्ट है ऐसे ही कंसेप्ट पर बेस्ड फिल्म आने वाली है आयुष्मान खुराना, यानी नेशनल अवार्ड विनर आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें आयुष्मान खुराना बाला का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि प्रीमेच्योर बाल्डनेस से परेशान है, जिससे भी बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो फिल्म भी नवंबर में ही रिलीज होने वाली है, यानी 22 नवंबर 2019 को वो फिल्म रिलीज होने वाली है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब ये दोनों फिल्म ऑलमोस्ट इनका सेम कंसेप्ट है, इतनी करीबी समय में रिलीज होती है, तो क्या ये फिल्मों की कमाई पर थोड़ा एक दूसरे का फर्क पड़ता है या नहीं। और साथ ही साथ हो सकता है कि एक फिल्म की जो रिलीज डेट है चेंज कर दी जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर फिल्में दोनों अपनी अपनी रिलीज डेट चेंज नहीं भी करती हैं तो फिल्मों की जो कमाई है बॉक्स ऑफिस पर, जो परफॉर्मेंस है, वो कैसी रहती है। वैसे अगर हम दोनों फिल्मों की बात करें तो अपने आप में दोनों फिल्में जो हैं बड़ी फिल्में होने वाली हैं, बिकॉज सनी सिंह की ये जो फिल्म है इसका कंसेप्ट जो है काफ़ी अच्छा है, वहीं बाला फिल्म का कंसेप्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, वो भी बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें ट्रेलर की तो इस ट्रेलर को जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑडियंस का। और अगर हम बात करें आयुष्मान की बाला की तो फिलहाल इस फिल्म का ट्रेलर हमारे सामने आया नहीं है, हमें उम्मीद है कि जब आयुष्मान की फिल्म का ट्रेलर आएगा उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और दोनों मूवीज जो हैं बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करके जाएंगी।